गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ई कंटेंट की श्रृंखला में आज हम आपसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आप सभी को ये बात विदित है कि मूल मौलिक अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा गया है। संविधान की मूल कृति में संविधान के चतुर्थ भाग में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों वह सिद्धांत हैं जो कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका को ऊंचे आदर्श प्राप्त करने के लिए दिए गए हैं। वास्तव में संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों को स्थान दिया गया है उन्हें व्यावहारिक रूप प्रदान करने के लिए नीति निदेशक तत्वों का प्रयोग किया गया है। नीति निदेशक तत्वों का जो उद्देश्य है वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। इस संबंध में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है। डॉक्टर एम बी पाइली ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि ये सिद्धांत प्रजातंत्रात्मक भारत का शिलान्यास करते हैं। जब भारत सरकार इन्हें कार्य रूप में परिणत कर सकेगी तो भारत एक सच्चा लोक कल्याणकारी राज्य कहला सकेगा। राज्य का यह कर्तव्य होगा कि कोई भी कानून बनाते समय प्रशासन द्वारा इन सिद्धांतों का निर्माण किया जाए। इसी श्रृंखला में दुर्गादास बसु के अनुसार अधिकांश निर्देशों का उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, जिसका संकल्प उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में लिया गया है। सर आइवर जेनिंग्स द्वारा सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि अधिकांश सिद्धांतों के पीछे फैबियन समाजवाद का दर्शन है, जिसमें से समाजवाद निकाल दिया गया है, जिसका अर्थ था कि उत्पादन, वितरण और विनिमय के साधनों पर राष्ट्रीयकरण का अभाव है। डॉक्टर पाइली की चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उनको मानना था कि राज्य का जो उद्देश्य है वो कल्याणकारी होना चाहिए। नीति निदेशक तत्वों के बारे में जो विभाजन किया गया है वो संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। जो 36 में तो उन्होंने ये कहा गया है कि राज्य का राज्य स्टेट का मतलब वही है जो मौलिक अधिकारों में यानी कि भाग 3 में दिया गया है, और भाग 4 के 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 37 में उन्होंने कहा है कि जो नीति निदेशक तत्व हैं वो किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, क्योंकि उनको लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अब हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से नीति निदेशक तत्वों की चर्चा की गई है। नीति निदेशक तत्वों में सबसे पहले हम बात करेंगे लोक कल्याणकारी तथा समाजवादी राज्य की स्थापना करना, मतलब कि राज्य के द्वारा लोक कल्याणकारी तथा समाजवादी राज्य की स्थापना की जाएगी, और इसके लिए राज्यों के द्वारा व्यक्तियों के जीवन स्तर और स्वास्थ्य सुधार के लिए प्रयास किया जाएगा। ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय हो, इसका प्रयास राज्यों द्वारा किया जाएगा। व्यक्ति तथा समूह के मध्य आय की प्रतिष्ठा की, सुविधाओं की और अवसरों को समानता प्रदान करने का प्रयास करेगा। काम की न्याय संगत दशाएं होंगी, निर्वाह, मजदूरी, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39 बी और सी के अनुसार समुदाय के भौतिक साधनों का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करेगा कि सर्वसाधारण के लिए उसमें कहीं भी उसका केंद्रीकरण नहीं हो, सबको समान रूप से राज्य द्वारा जो भौतिक साधन उपलब्ध करवाए जाते हैं उस पर सबका हिस्सा होगा। स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया जाएगा। 6 वर्ष तक की आयु के बालकों के लिए शुरुआती देखभाल और शिक्षा का प्रबंध राज्य द्वारा किया जाएगा। दूसरा है आता है इससे गांधीवादी विचारधारा से संबंधित नीति निदेशक तत्व।
गांधीवादी विचारधारा से संबंधित है कि कुटीर उद्योग धंधों का विकास करना, पंचायतों का संगठन करना, राज्य निर्बल एवं पिछड़ी जातियों की प्रगति के लिए प्रयास करेगा। दूसरी बात है मद या नशीले पदार्थ पर के उपयोग और दुरुपयोग पर रोक लगेगी। उपयोगी पशुओं के वध का प्रतिषेध किया जाएगा। कृषि तथा पशुपालन का आधुनिक प्रणाली से संगठित करना। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण होगा। उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी होगी। तो ये दो हमने नीति निदेशक तत्वों के बारे में देखा, एक तो लोक कल्याण से संबंधित और दूसरा गांधीवादी। तीसरा है, हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने वाले तत्व। राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा। राज्य राष्ट्रों के मध्य सम्मान पूर्वक तथा न्यायपूर्ण संबंध रखेगा। राज्य अंतरराष्ट्रीय संधियों तथा कानूनों का सम्मान करेगा। अंतरराष्ट्रीय विवादों को राज्य शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कुछ नीति निदेशक तत्व जोड़े गए हैं, जैसे पर्यावरण का संरक्षण तथा अन्य जीवों की रक्षा, बालकों, अल्पसंख्यक तथा व्यक्तियों के शोषण से बचने तथा स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर पाने का अधिकार, समान न्याय एवं निशुल्क विधि की सहायता का अधिकार, उद्योगों के प्रबंध में कामगारों का भाग लेना। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन से नए नीति निदेशक तत्व जोड़े गए हैं। एक तो समान न्याय और निःशुल्क विधि की सहायता का अधिकार, उद्योगों के प्रबंध में कामगारों का भाग लेना, अल्पसंख्यक व्यक्तियों के शोषण नहीं करना और पर्यावरण का संरक्षण मेनली 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट हम आते हैं 44वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए नीति निदेशक तत्व। आपको ये ध्यान रखने वाली बात है मूल अधिकारों में संपत्ति के अधिकार को नीति निदेशक तत्वों में ले आया गया है, और इसमें ये ध्यान देने योग्य बात है कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा व्यक्तियों तथा समूहों के बीच आय की प्रतिष्ठा के अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास राज्य द्वारा किया जाएगा। मतलब राज्य द्वारा किसी भी प्रकार की आय या संपत्ति के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। 86वें 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 द्वारा अनुच्छेद 45 में 45 में परिवर्तन किया गया। क्या परिवर्तन किया गया कि राज्य के सभी बच्चों को तब तक के लिए बच्चों की देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास किया जाएगा जब तक वह 6 साल का नहीं हो जाता है। मतलब 6 साल तक के बच्चे की जो शिक्षा का प्रबंध है, प्राइमरी जो एजुकेशन की बात है, तो वो जो है वो राज्य द्वारा किया जाएगा। फिर है 97 अमेंडमेंट द्वारा 97वें में संविधान संशोधन द्वारा राज्य कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऐच्छिक निर्माण, स्वायत्त कार्य, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन के प्रोत्साहन के लिए प्रयास करेगा। एक बात और यहाँ ध्यान रखने की है कि नीति निदेशक तत्व जनरली पूछा जाता है एक एमसीक्यू में, शॉर्ट आंसर में, कहाँ से लिया गया है, तो ये हमने आयरलैंड के संविधान से ली गई है। नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, जो कि विधि द्वारा प्रभावी न होने के कारण ये कहा जाता है कि संविधान की शोभा बनकर रह गए हैं, क्योंकि इनके लिए क्या है कि अगर इनका पालन नहीं किया गया तो न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो कई बार ऐसा होता है कि सरकार कह देती है हमारे पास पैसे नहीं है, अर्थ नहीं है, तो बजट नहीं है, तो इसके कारण इनका नागरिकों को वांछित लाभ नहीं मिल पाता है। तो कई बार इसलिए ये माना जाता है कि संविधान इतने लंबे समय के बावजूद भी संविधान जो हमारे राज्यों की स्थिति होनी चाहिए थी, जो कल्याणकारी राज्यों में व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो अभी तक सफलतापूर्वक नहीं हो पाई है।
क्योंकि राज्यों के पास में पर्याप्त संसाधन नहीं है, इसलिए नीति निदेशक तत्वों का पर्याप्त पूर्ण रूप से अनुपालन नहीं हो पाया है, उनकी क्रियान्विति पूरी तरह से नहीं हो पाई है। अब जैसे जो हम बात करते हैं कि भाई पूर्ण रोजगार की या सामाजिक सुरक्षा या 14 वर्ष तक के बच्चों को आप लेबर नहीं लगा सकते हो, लेकिन ये सारी प्रक्रिया क्या होती है, इन सब के पीछे जो एक शक्ति होनी चाहिए थी वो अभी तक राज्यों में उपलब्ध नहीं हो पाई है। सामाजिक और आर्थिक न्याय की जो स्थापना के उद्देश्य हैं वो सभी सरकारें स्वीकार करती हैं, राष्ट्र ने भी इस दिशा में प्रगति की है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लघु और कुटीर उद्योग धंधे सरकार द्वारा बढ़ाए जा रहे हैं पर उन पर किसी वर्ग विशेष का हाथ हो जाता है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। इसी तरह से अधिकांश राज्यों ने गो हत्या के विरुद्ध कानून पारित कर रखे हैं। अनुसूचित जाति जनजाति समाज के पिछड़े वर्गों को शैक्षणिक और आर्थिक सुविधाएं उपलब्ध करने की दिशा में निरंतर प्रयास होता रहा है। समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड विकसित करने की दिशा में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 तथा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू सक्सेशन एक्ट जिसे कहा जाता है, ये हमारे राज्य की मील के पत्थर है, लोक कल्याणकारी राज्य की उसको मील के पत्थर कहा जाता है। लेकिन अभी भी क्या है कि हमारे जो जनता है उसमें अभी भी जागरूकता नहीं आई है। अनिवार्य शिक्षा के लिए सरकार ने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन अभियान चलाया हुआ है सब, लेकिन फिर भी हम प्रैक्टिकली व्यावहारिक रूप से हम जानते हैं कि स्थिति क्या है। तो ये हमने आज यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या हैं और उनका सरकार द्वारा किस तरह से उनका क्रियान्वयन या इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। आशा है ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। धन्यवाद।